गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई सीन ये हो रखा है, हम आ रखे हैं खेत के अंदर और अभी हम एक स्प्रे करने वाले हैं। ये जो आप घास देख रहे हो ना, इस घास के लिए स्प्रे है। जैसे ये राइट साइड वाला खेत है, इसके अंदर तो बाजरा और मूंग उगा रखा है, लेकिन अब की बार नाना और नानी ने क्या सोचा कि इस खेत के अंदर अभी कुछ नहीं उगाएंगे, सर्दियों के टाइम पर इसको जो चने की खेती होती है उसके लिए रेडी कर रहे हैं। और उसी के चक्कर में इस खेत के अंदर स्प्रे की जा रही है ताकि इसके अंदर घास ना उगे और इसके जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हैं वो वैसी की वैसी बनी रहे। और उसी के सिलसिले में हम खेत के अंदर आ रखे थे स्प्रे करने के लिए। और कई दिन में सर दिखा दे यार? तीन या चार दिन बाद पर लेना क्या कर देगा भाई उन्होंने? वह पीली हो रही है। कई दिन में खत्म हो जाए यार? जमा खत्म को नहीं हुआ ना? ना होगी जमा 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 10 दिन का लगभग खत्म हो जाएगी। अभी भाई से मैं यही पूछ रहा हूँ कि स्प्रे करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? हाँ तो भाई जी, यो घास है यो बढ़ जाए सारो। हाँ। अचमा लेने बीज खत्म हो जाए। हाँ। एकदम जी मैंने फसल बढ़िया बनेगी। अब इस सूखी दवाई को पानी के अंदर मिलाया जाएगा। मिक्सिंग वाला काम पूरा और अब टाइम आ गया है स्प्रे करने का। प्रेशर तेज मार लो बड़ा भैया। भाई बहुत गंदी स्मेल आ रही है इसमें से। कसूती बांस मारा भैया तो मैं अभी यही पूछ रहा हूँ कि इस प्रोसेस में कितने बंदे लग जाते हैं। तो नाना जी का बोलना है कि अगर खेती उगा रखी हो, जैसे उस साइड बाजरा बो रखा है, अगर उसके अंदर स्प्रे करनी है तो ज़्यादा बंदे लगेंगे, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं जो फसल है उसके नुकसान ना हो जाए। लेकिन खाली ज़मीन के अंदर इतने ज़्यादा बंदे लगेंगे नहीं। स्पेशली इस एरिया के अंदर जो खेती के अंदर इनपुट हैं वो कुछ ज़्यादा हैं और कई बार आउटपुट उतने रिजल्टिंग आ नहीं पाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि एक तो इस एरिया में जो ज़मीन का पानी है ना वो बहुत खारा है, तो उस ज़मीन के पानी से खेती नहीं होती है। ये जगह पड़ती है जहाँ से थार डेजर्ट स्टार्ट होता है, तो बारिश भी उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन जितनी भी फसल होती हैं वो सारी की सारी बारिश के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो अभी प्रोसेस क्या है, पीछे आप ट्रैक्टर देख रहे हो, ट्रैक्टर के पीछे है बड़ी सी टंकी, उसके अंदर पानी डाला हुआ है और लगभग एक बाल्टी जो पेस्टिसाइड थी उसको डाला और उसके बाद से वहाँ ट्रैक्टर से प्रेशर बन रहा है और इस पाइप के थ्रू वो पानी जिसके अंदर पेस्टिसाइड मिला रखी है वो स्प्रे कर रहे हैं। और क्या नाम तेरा? साहिल। साहिल कौन सी क्लास में है? मैं छठी में। छठी में पढ़ाई पुढ़ी चल रही है? में तो कौन से स्कूल में जा है? मैं सरकारी गांव में। सरकारी हम गांव को नहीं गांव में। अच्छा गांव वाला स्कूल में। कौन सी बीमारी फैल रही है? वे कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कटता आया था? कौन से देश से आया था? यो मैं कौन बेरो कौन बेरो कोरोना वायरस। कोरोना वायरस स्कूल में जाने जी कौन करेगी? हां मास्टर मारे करेंगे स्कूल में? कौन मारे आजकल? माना तो अच्छा तो है करता यार, मारिया करता कुछ होता न्यू सुसरा थाप मारिया करता कान पर फटीड़ फटीड़। मैं इसे अभी यही बात कर रहा हूँ कि हमारे टाइम में जो स्कूल में टीचर होते थे वो गंदी तरह पेलते थे, लेकिन शायद आजकल जो मारना पीटना है वो स्कूल के अंदर बंद हो चुका है। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हमारे टाइम पर भाई अच्छा धोते थे और मैं भी भाई गंदी तरह पिटा हुआ हूँ स्कूल में। अरे सुत्या करता कभी
गांव के अंदर अभी भी वो हेल्पिंग वाला सीन बचा हुआ है। अगर मान लो मुझे मेरे खेत के अंदर काम है और मुझे 3-4 बंदों की ज़रूरत है, तो गांव में मैं बुलाकर उनसे हेल्प ले सकता हूँ। लोग ऐसे आपस में अभी भी मदद करवा देते हैं। खत्म होना नंदीप तो हाँ होगी के वही कड़ा है रहेगी और रहेगी रहेगी यार लग गया है इतनी तो लग जाएगी। आज भाई दूसरी बार आया है इस पेस्टिसाइड का छिड़काव कर लें, लेकिन आज भी कुछ पोर्शन बच गया है। अभी मान लीजिए उधर से लेकर एंड तक इस साइड वाला पानी गाल लो तो हमें इतना गाल लो। अभी घर पर नाना जी से बात हुई है और घर पर इस ये जो दवाई है इसकी 20 पुड़िया और पड़ी है। नाना जी किसी के हाथ उन पैकेट्स को यहाँ पर खेत में भेज रहे हैं और अभी हम खेत के अंदर कुंड है उससे पानी निकाल कर पहले इस टंकी को भरेंगे, उसके बाद इसके अंदर और पेस्टिसाइड डालेंगे ताकि इस पूरे खेत को कवर कर सकें। इसके अंदर सारा का सारा पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू ही बचाया गया है। बड़ी हाँ 50 बाल्टी आगे आगे मारे गए वो बड़ा दिन दोनों राम 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 बनवा जी बिल्ला बाद में उतरे ताई जमा मेरा है कितने खत्म कोनी उड़ जो 20 पुड़िया के और कौन पाऊंगी पुड़ी हाँ अलग नहीं मार जर बना मेरा बेईमान खड़ा है बड़े बेईमान सब के कहने गया ये भाई अब दोबारा पेस्टिसाइड के पैकेट्स आ चुके हैं। नाना जी और मामा जी लेके आ गए थे, इनको मिक्स कर लिया है और अब वापस से जो जगह बच गई थी उसके अंदर स्प्रे करेंगे। और अब ये छोटू इन प्लास्टिक की थैलियों को इकट्ठा कर रहा है। क्या करो इवन को बड़ा हो गया ना शाबाश। ये मूंग से मूंग की खेती बहुत बढ़िया है। और बाजरी बाजरी कमजोर है, मूंग गुआर की खेती बढ़िया है। गाइस यही है मेरे नाना जी, देख मूंग की खेती देखती हूँ आपने क्यों खेत में आपने हम धूप हो रही थी बेटा धूप की सबरे करा थे तो खेती बढ़िया को नहीं और के हम चना भाव देखो गजब का बढ़ेगा। तो नाना जी के पास टोटल 3 खेत है जिनमें से एक में अबकी बार कुछ भी नहीं उगाया है, यही वाला, और बाकी 2 खेतों में मूंग और गुआर। इन पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इनके बिना भी क्या खेती पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो क्या उतना ही प्रोडक्शन हमें मिल पाएगा? अगर आप में से कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकार हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं जिसे हम, उसके अंदर हम किसी भी टाइप की स्प्रे नहीं करते क्या? मुझे आइडिया नहीं है यार। प्लीज़ अगर आप में से किसी को नॉलेज है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रोडक्शन है वो कैसा होता है और कैसा नहीं, क्योंकि मैंने YouTube पे 2-3 वीडियोस देखी और उनसे मुझे उतना कुछ समझ नहीं आया है। इस वाली जगह पर लगभग 3-4 दिन पहले स्प्रे किया था और ये घास धीरे धीरे पीली हो रही है और कुछ दिन बाद ये एकदम काली हो जाएगी। और जो पीछे आप देख रहे हो ये हरे वाला पार्ट, इसके अंदर आज स्प्रे किया है, लगभग 1-1.5 हफ्ते बाद ये घास पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। एक बात तो माननी पड़ेगी यार, लगभग पिछले 3-4 महीनों से गांव में रहने के बाद एक बात तो समझ आ गई है कि कई बातों में गांव वाले बंदे हैं ना कतई नेक्स्ट लेवल होते हैं। खास करके गांव वाले लोग शहर वालों को तो ऐसे समझते हैं कि भाई इन बंदों को तो कुछ नहीं आता और इनको 2 मिनट में पागल बना सकते हैं। हाँ कई बातों में गांव वाले लोग कोशिश करते हैं कि भाई अरे हाँ ये शहर वाले पागल वागल है, भोले से बच्चे हैं, इनको एकदम निपटा दो। तो ये चीज़ें मैंने फील की हैं, बचपन में भी करता था लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा फील कर रहा हूँ मैं। बस 5-10 मिनट में ये वाला सीन भी ख़त्म होने वाला है और उसके बाद वापस घर पे होगी भाई।
वापिस से चलने वाला सीन भैया, ट्रैवलिंग तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो ट्रैवलिंग वाले शौक हैं वो इन्हीं छोटी मोटी चीज़ों में पूरे कर रहा हूँ। सही में भाई तगड़े मज़े आते हैं ऐसे अगर खेत में आते हो आप, वो भी ट्रैक्टर के साथ। हाँ, गांव वाले लोगों के लिए ये एक नॉर्मल रूटीन है, लेकिन हम जैसे शहरी बंदे थोड़े हवा में उड़ जाते हैं ना। और नानी साहब, जो पीछे बैकग्राउंड में आप बकरियां देख रहे हो वो सारी की सारी भाई की हैं, और शायद जल्द ही मैं भाई के साथ जाकर वो शेपर्ड वाली वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी भाई के घर पे जा रहे हैं। ये हैं भूप भाई और वो हैं पवन भाई साहब। भूप भाई के पास हैं 50 बकरियां और पवन भाई साहब के पास हैं 50 भेड़, और अब दोनों का मैं यही वेट कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी ये तैयार हो जाएं और मैं दोनों भाइयों के साथ जाकर वो वीडियो शूट कर लूं। भाई साहब बोल रहे हैं कि 3 या 4 तारीख तक सारा काम रेडी हो जाएगा, और होपफुली जो मेरा और नवंकुर भाई का काम अटका हुआ था वो नवंकुर भाई ने पूरा करवा दिया है ऑलमोस्ट। तो नवंकुर भाई बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से थैंक यू। और अगर दोनों का काम ढंग से हो जाता है तो आपको मेन चैनल पर अगले 3 या 4 दिन बाद कुछ वीडियोस देखने को मिलेंगी, और वीडियोस दोनों के चैनल पर मिलेंगी, नवंकुर भाई के भी और अपने नोमैडिक इंडियन पर भी। और ये आ गई है हमारी चाय। भाई बकरी के दूध की चाय किसी को है? बहुत बढ़िया होगी, आपको यहाँ से भी बहुत बढ़िया चाय पिलाएंगे आपको बकरी के दूध की। बकरी दूध अच्छे होंगे? बहुत बढ़िया बनेंगे, काफी स्वाद लगेगा। मैं भाई को यही बोल रहा हूँ कि एक दिन मुझे बकरी के दूध की चाय पिलाना, या तो भैंस की है ना। हमारा चाय वाला सीन कम्प्लीट, अभी भाई जाएंगे मंदिर के अंदर और मैं जा रहा हूँ घर पे। सुबह सुबह उठते ही भाई बकरियों को लेकर उनको चराने के लिए निकल जाते हैं और शाम को आते हैं। कोशिश है।